नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, 23 मई से 13 जून तक बनेगी फोटोयुक्त वोटर लिस्ट। प्रदेश में स्थित सभी पुरातत्विक स्थलों का किया जाएगा नवीनीकरण, युवा पीढ़ी को प्राचीन सभ्यता के बारे में किया जाएगा जागरूक। कांग्रेस से नाराजगी के बीच सीएम मनोहर लाल से मिले कुलदीप बिश्नोई, भाजपा में जाने की अटकलें हुई तेज। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने की हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पंचायत चुनाव करवाने के लिए आगे बढ़ते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वोटर लिस्ट बांटने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से सभी पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार और बूथवार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून 2022 तक तैयार की जाएगी। आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों को 15 जून 2022 को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून 2022 की शाम 4 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे, लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून 2022 को किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से चूकने के बाद कुलदीप बिश्नोई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस से चल रही नाराजगी के बीच कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरने एवं अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा हुई। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। गौर है कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई की लॉबिंग को ध्वस्त कर दिया और अब उनके पास कांग्रेस में बने रहकर हुड्डा के साथ काम करते रहना अथवा भाजपा या आम आदमी पार्टी में चले जाने के विकल्प ही बचे हैं। हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि प्रदेश में स्थित सभी पुरातत्विक स्थलों का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा ऐसे स्थलों के चिन्हित किया जा रहा है। देवेंद्र सिंह बबली अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 के उपलक्ष्य में साइड संग्रहालय भीमा देवी मंदिर परिसर पिंजौर में हरियाणा की विरासत विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थित पुरातत्विक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा ताकि हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरियाणा के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि विभाग की एक टीम शीघ्र ही अन्य प्रदेशों का दौरा कर वहां के पुरातत्विक स्थलों का अध्ययन करेगी, जिसके उपरांत वहां प्राचीन स्थलों को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयासों को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा ताकि हमारी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर को बेहतर ढंग से संजोया जा सके। प्रदर्शनी लगाई, उसका उद्घाटन किया है ताकि हमारी जो विचार प्राचीन सभ्यता है उसको हम लोगों तक ले जा सकें, और इसके साथ हम टूरिज्म को भी जोड़ने का काम करने जा रहे हैं ताकि हमारी जो परंपरा थी, हमारा पुरानी हमारा कल्चर था, वो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों तक ले जाने का हमारा प्रयास है। तो सर नवीनीकरण का कुछ है? हाँ बिल्कुल, इसमें पूरा हम जितने भी हमारी साइट्स पूरे हरियाणा प्रदेश में उनको 25 डिपार्टमेंट द्वारा करवाया गया है, उनमें और बेटर क्या हो सके और क्या सुधार हो सके। हम बाहर भी जिन स्टेट में अच्छा किया हुआ है वहाँ एक बार विजिट करके उसको हरियाणा में लेकर आकर इम्प्लीमेंट करें। मंत्री जी, जो ये संग्रहालय है इसका इस तरीके से प्रमोशन नहीं किया गया जबकि प्राचीन है ये भी, लेकिन यहाँ पर ना तो इतिहासकार आते ना ही पर्यटक आते ना ही इसको टूरिज्म के साथ प्रमोशन की शुरुआत है कि लोगों तक मैसेज जाए कि हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, हमारी पुरानी सभ्यता थी, वो छुपी हुई जो जमीन के अंदर हम उसको निकालें और हमारे प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को उसके बारे में बताएं ताकि हमारी सभ्यता से जो आज के आने वाली जनरेशन है उसको पता लग सके।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के परिवार के सदस्यों ने अब स्वदेश छोड़ विदेश रहने का फैसला लिया है। इसी के चलते डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की छोटी बेटी अपने परिवार सहित विदेश रवाना हो गई है। परिवार के सदस्यों ने डेरा मुखी से बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर परिवार के सदस्यों को विदेश जाने की अनुमति राम रहीम ने दे दी थी। छोटी बेटी अपने परिवार के साथ डेरे से रवाना हुई है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। यमुनानगर के छछरौली के पीपली माजरा गांव में घर पर छोटी बच्ची को दवाई ना दिलवाने के चलते भाई ने ही भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या को छुपाने के लिए शव को जल्दबाजी में दफना दिया और पुलिस ने तीसरे भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कब्र खोदकर शव बाहर निकलवा लिया है। पीपली माजरा गांव में 8 भाई है, जिसमें से 4 शादीशुदा है, 4 अभी कुंवारे हैं, 9वीं उसकी सिस्टर है। 15 तारीख को 2 भाई आपस में लड़ पड़े, एक मोहम्मद नाइम जिसकी मृत्यु हुई है, एक मोहम्मद सुफियान, ये आपस में घरेलू मामलों को लेकर तत्काल होगी। सुफियान है जो कि थोड़ा नशेड़ी है किस्म का लड़का है, उसने चाकू लेके मोहम्मद नईम है उससे छोटा भाई है उसकी पीठ में मारा। वो जो बाई पीठ में मारा उसमें दिल वाली साइड में फेफड़ों में लग गया, दिल में लग गया, उसकी मृत्यु हो चुकी। तो इन्होंने परिवार वालों ने सलाह मशवरा करके लाश को वहीं पिपड़ी माजरा गांव में कब्रस्तान में दफना दिया था, जो आज मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर लाश को निकाला गया। अब लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जांच अधिकारी के द्वारा आरोपी की तलाश है। सर किसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ और कार्रवाई हुई? मृतक के भाई कुर्बान जी की शिकायत पर दर्ज है। तो क्या कुछ मामले में जाँच जारी है अभी फिलहाल? हाँ जी, मामले में क्या कुछ जाँच जारी है फिलहाल? मौत है, वैसे तो इसके भाई सुफियान के द्वारा साथ इसकी पीठ में चाकू मारने का कारण हुई है, और उसके अलावा भी जिन जिन लोगों ने, जिन जिन गाँव वासियों ने लाश को दफनाने में खुर्दबूर करने में सहयोग किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने लोग हैं सर कुल? उसमें 8 लोग सरबाइने में हैं, बाकी 10-12 व्यक्ति हैं जो अन्य में हैं। यमुनानगर में आए दिन आपराधिक घटनाओं को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिला सचिवालय के सामने इकट्ठे होकर सरकार विरोधी नारे लगाए और जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम में ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई कि यमुनानगर में हर रोज क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, दिन रात आपराधिक घटनाएं, चोरी, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस कारण पूरे शहर में चारों तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। आपराधिक लोग प्रशासन के सामने हत्याएं करने से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन सभी अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, जिले के सभी मेन चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, इसके अलावा बैंकों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएं, जिसको जनता के बीच में जो भय पैदा हुआ है वह दूर हो सके, ताकि प्रत्येक दिन होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोका जाए। भाई साहब, मैं संजीव गुप्ता, जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 4 दिन से जो अभी प्रगति रैली निकली है प्रदेश सरकार की, उसके तुरंत बाहर आपने देखा 5-6 बच्चे जो है नदी में डूब जाते हैं। उसके बाद परसों जो है व्यापारी के ड्राइवर को जो है 50,09,000 रुपये जो उसके पास थे वो छीन कर उसको गोली मार दी जाती है। तो इसके अंदर कहीं हद तक जो है हमारा जो व्यापारी है वो सेफ नहीं है। हम हरियाणा सरकार और खास तौर से केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सबसे पहले तो व्यापारी को सुरक्षा दी जाए, और उस सुरक्षा के साथ साथ जिस तरीके से आप देखते हो कि कोई भी आज हमारी बैंक में कोई लिमिट होती है, लोन होता है, तो वो हमारा इंश्योरेंस कराते हैं, जिसके पैसे वो हमसे लेते हैं, लेकिन हम GST में रजिस्टर्ड हैं, इनकम टैक्स में हम रजिस्टर्ड हैं, नगर निगम में हमारे पे ट्रेड लाइसेंस बना रखे हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम उसके कमाऊ पूर्त हैं इन डिपार्टमेंटों के, तो इन डिपार्टमेंटों को भी हमारी इंश्योरेंस बनानी चाहिए, जिसके तहत हमारा जीवन सेफ रहे और हम इनको जो है अपने मरने के बाद भी और हमारा जो भी वहाँ पर जो है हमारा बंदा बैठे वो इनको जो है टैक्स की भरपाई करता रहे, जिससे हमारी सिक्योरिटी बने, हमारी सेफ्टी बने। और ये जो बैंक हैं, जैसा कि आप देखते हो 3 दिन यहाँ बैंक बंद रहे,
जिसमें शनिवार इतवार और सोमवार की छुट्टी आई, उसमें उस व्यापारी पर जो हमारे बंसल साहब हैं यमुनानगर के 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। तो अगर कभी ऐसी हम व्यापारी ये सोचें कि हम अपना कैश लेके बैंक में कैसे जाएं, तो सरकार इन बैंकों को ये निर्देश करे कि भाई आप जो है वो जो रकम है उसकी दुकान से, उसके जो प्रीमिसीज है वहाँ से वो किस तरीके से कलेक्ट करें, चाहे उससे छोटी सी रकम लें और वहाँ सिक्योरिटी के अंदर वहीं से कैश लेके आए। तो मैं अपने आम आदमी पार्टी के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन बातों पर जरूर ध्यान देगी। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में एक बाइक चोर को बाइक का लॉक तोड़ते हुए बाइक मालक ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी सूचना डायरेक्ट 112 को दी गई और मौके पर पहुंची डायरेक्ट 112 की टीम ने आरोपी चोर को अपने कब्जे में लेकर 3 नंबर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है। गौरतलब है कि बाइक चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए स्मैक के नशे में था। अच्छा, 112 की टीम को 112 को फोन आया था इस आरबी को, आप इंचार्ज है इसके? अच्छा, फिर आप मौके पर आए तो क्या देखा आपने? मौके पर आए देखो चोर पकड़ा गया है, चाबियां बरामद हुई है, कुछ इसके पास नशीला सामान, नशे का सामान भी है, क्या क्या कुछ कुछ फोन और फोन और चाबी। ठीक है। नगर पालिका पुंडरी द्वारा गुरुवार को कस्बे से अतिक्रमण हटाओ अभियान कस्बे की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हुई। हालांकि अतिक्रमण अभियान की शुरुआत एडीसी या नगर प्रशासक द्वारा करने की कही जा रही थी, लेकिन नगर पालिका पुंडरी में किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कुछ हद तक कस्बे की सड़क से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ कुछ दुकानदारों के पॉलिथीन रखने व दूसरे चालान भी किए गए। इस बारे में नगर पालिका सचिव राजा राम ने बताया कि समय समय पर कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा। आज दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है, अगर फिर भी कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कस्बे से अतिक्रमण हटाने से वाहन चालकों व लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।